किसी ने क्या खूब कहा है, सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केबी राशिफल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों का 31 मई दिन सोमवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और कुंभ राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर आपकी भी कुंभ राशि है तो वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों आज सोमवार है, महादेव का दिन है, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट करना ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों सबसे पहले आज आपको बताएंगे आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी के अनुसार धन के मामले में नहीं करनी चाहिए गलती, हो सकते हैं गरीब। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य की चाणक्य नीति कहती है कि धन के मामले में व्यक्ति को बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, कभी कभी छोटी छोटी गलतियों से धनहानि हो जाती है और धन की देवी लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। चाणक्य को राजनीति शास्त्र, कूटनीति शास्त्र के साथ अर्थशास्त्र की भी गहरी जानकारी थी। चाणक्य जी के अनुसार भौतिक जीवन में जिसके पास लक्ष्मी जी की कृपा और आशीर्वाद बना रहता है वो व्यक्ति कई प्रकार की बाधाओं और कष्टों से बचा रहता है। चाणक्य जी के अनुसार जीवन में धन का विशेष महत्व है, सुखों का बहुत बड़ा कारक धन भी है। धन की उपयोगिता किसी से छिपी नहीं है, हर व्यक्ति अपने जीवन स्तर को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए धन की तरफ आकर्षित होता है। धन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बड़े से बड़ा जोखिम उठाने के लिए भी तैयार हो जाता है। चाणक्य जी के अनुसार धन की प्राप्ति परिश्रम से होती है, इसके साथ ही कुछ और बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। पहला, आलस को त्याग दें। चाणक्य जी के अनुसार आज के कार्य को जो व्यक्ति कल्पा टालता है वह कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। सफलता मिलने के कारण ऐसे व्यक्ति धन के लिए तरसते रहते हैं। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आलस का त्याग अवश्य करना होगा। दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए ना करें धन का उपयोग। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य जी के अनुसार धन का प्रयोग स्वयं और मानव कल्याण के लिए करना चाहिए। जो लोग धन का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं ऐसे लोगों से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है और उनका साथ छोड़कर चली जाती है। क्रोध ना करें। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य जी के अनुसार क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है, क्रोध से व्यक्ति को हमेशा दूर रहना चाहिए। क्रोध में व्यक्ति अच्छे बुरे का भेद नहीं कर पाता जिस कारण समय आने पर उसे हानि उठानी पड़ती है। क्रोध करने वाला मनुष्य लक्ष्मी जी का कृपा कभी नहीं पा सकता। तो दोस्तों ये था आज का चाणक्य का चाणक्य नीति ज्ञान। अगर आपको आज का चाणक्य नीति ज्ञान पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमेशा की तरह एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों आज कुंभ राशि वालों का लकी नंबर है 4। अब बात करते हैं दोस्तों आज के पंचांग के बारे में। दोस्तों आज 31 मई दिन सोमवार है, तिथि षष्ठी है, नक्षत्र श्रवण है, पक्ष कृष्ण पक्ष है, माह ज्येष्ठ है। दोस्तों आज सूर्योदय होगा 5:08 पर, सूर्यास्त होगा 6:44 पर। अब जान लेते हैं दोस्तों आज का शुभ समय। आज का शुभ समय है 11:29 से 12:23 पर और आज का शुभ समय है 12:22 से 1:17 पर। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में, कैसा रहेगा आज कुंभ राशि वालों का दिन, आइए जानते हैं। कुंभ राशि वालों आज किसी पुराने दोस्त या परिवार के साथ बाहर घूमने जाने या बातचीत का आनंद लें। आपको अपने काम के लिए उन्हीं तरीकों पर भरोसा करना चाहिए जो आपके लिए पिछले समय में लाभकारी रहे हैं। आज कोई नया प्रयोग शुरू करना ठीक नहीं होगा। अगर आप कोई नौकरी या कोई परियोजना हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो तपो पारंपरिक तरीके से ही कोशिश करें। अपने विचार और योजनाओं की अच्छे से मार्केटिंग करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। कुंभ राशि वालों आज आपके लिए कुछ सरप्राइज होगा लेकिन चिंता ना करें, ये सब अच्छे ही होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जिनके होने का आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं आज पूरी हो सकती है। आप जिन प्रयासों को व्यर्थ मान चुके थे आज उनका फल भी आपको मिल सकता है। इसलिए आज रात दोस्तों और परिवारों के साथ सेलिब्रेट करें, हो सकता है कि उनके पास भी आपके लिए कोई अच्छी खबर हो। आज का दिन जुनून के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। आप पिछले कुछ दिनों से बचाव की मुद्रा में थे और अपने प्रेम संबंधों में काफ़ी सीमित थे, पर आपको ये एहसास होगा कि ये पर्याप्त नहीं है बल्कि आपको अपनी दीवानगी से भरा स्वभाव दिखाना होगा और आप अपने प्यार को खिलता हुआ देखेंगे। आपका साथी भी आश्चर्यचकित हो सकता है लेकिन वो बड़ी उत्साहित प्रतिक्रिया की मुद्रा में आपको जवाब देगा या देगी।
आज का दिन आपके लिए व्यस्त रहने की संभावना है क्योंकि आपकी परिस्थिति अलग अलग दिशाओं में वांछनीय होगी। हालांकि अपने व्यक्तिगत विकास के लिए आप अधिक से अधिक समय समर्पित करने की कोशिश करें। ऑनलाइन परीक्षाओं या प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन कुछ मार्गदर्शन की तलाश करें। आज आपको खर्चों की तुलना में अधिक बचत पर ध्यान देना होगा। कुंभ राशि वालों, आज ऐसे लोगों से जुड़ने से बचें जो आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा सकते हैं। बातचीत में संयत रहें। आज आप बहुत भावनाशील रहेंगे, आपको आपका स्वाभिमान भंग हो सकता है। सकारात्मक विचारों के जरिए इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। आर्थिक तौर पर सुधार तय है। संतान की तरफ से शुभ संदेश मिल सकता है। नौकरी के क्षेत्र में अधिकारी वर्ग के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। कुल मिलाकर फायदेमंद का दिन रहेगा। आज का दिन आपके लिए शुभ कहा जाएगा क्योंकि रिलेशनशिप में आप दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करने की संभावना भी बनी रहेगी। एक दूसरे की भावनाओं को आदर सम्मान देंगे और कुछ वादे भी कर सकते हैं। शाम तक रिश्ते में कुछ समस्या होगी तो आप सुलझा लेंगे। सरकारी कामकाज में आपको लाभ मिलेगा। मित्रों की मदद से आपको फायदा मिलेगा। सामाजिक क्षेत्र में लोकप्रियता भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज की कुंभ राशि फल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपका दिन मंगलमय हो दोस्तों। राधे।